लेकिन आपने शर्तिया बात है, आपने मोहिनी तोमर का नाम नहीं सुना होगा। अब आप कहेंगे मोहिनी तोमर कौन है? ये दोनों घटनाएं आपको जो है समझनी चाहिए और अब आपको देखना चाहिए ये इकोसिस्टम, ये समाज जो है और ये जो पूरा मीडिया है और ये जो पूरी नेतागिरी भारत में है, राजनीति है, किस दिशा में जा रही है। मंगेश यादव, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही मंगेश यादव जो उत्तर प्रदेश का 1,00,000 का इनामी बदमाश था, जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे और जो सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी चुराने के मामले में शामिल था। सीसीटीवी में उसकी फुटेज आई थी और उसके और उसके साथियों की, और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उसे एक एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन आप मंगेश यादव को इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो 1,00,000 का इनामी बदमाश था। ऐसे कई बदमाश होंगे जिनके ऊपर लाखों के इनाम होंगे। आप मंगेश यादव को इसलिए भी नहीं जानते क्योंकि वो एनकाउंटर में मारा गया, क्योंकि ऐसे दर्जनों नाम है, दर्जनों क्या, करीब करीब जो है पिछले 2-3 सालों में देखे तो ऐसे करीब 70-80 नाम है जो एनकाउंटर में मारे गए उत्तर प्रदेश में ही। तो आप इसलिए भी मंगेश यादव को नहीं जानते होंगे। लेकिन मंगेश यादव को आप किस लिए जानते हैं? इसलिए जानते हैं, पूरा देश इसलिए जानता है क्योंकि 1,00,000 के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा मंगेश यादव के लिए एक नहीं दर्जनों ट्वीट किए। आप इसलिए भी जानते होंगे क्योंकि संजय सिंह समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने भी मंगेश यादव के लिए आवाज उठाई। आप इसलिए भी जानते होंगे मंगेश यादव का नाम क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने, बाकायदा कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया मंगेश यादव के लिए और कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बाकायदा मंगेश यादव के घर गए। और मैंने कई तस्वीरें भी देखी जिसमें मंगेश यादव के घर के बाहर मंगेश यादव की तस्वीर लगी है, सामने फूल चढ़े हैं और कई नेता लोग जो हैं उसके सामने नमन कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 1,00,000 का इनामी बदमाश ज्वेलरी की डकैती में शामिल और उसको इस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। पर बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है। कई सारे बड़े बड़े पत्रकार जो हैं उन्होंने मंगेश यादव के लिए वीडियो बना दिए। भारत के महान सर्वकालिक महान पत्रकार जिनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हुए हैं, रविश कुमार ने बाकायदा 20 मिनट का एक पूरा वीडियो मंगेश यादव को समर्पित कर दिया और उसमें रविश कुमार ये बता रहे हैं कि मंगेश यादव जो है क्योंकि यादव था इसलिए उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। वो ये भी बता रहे हैं कि इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि समाज सड़ गया है, गल गया है, इसलिए जो है इस तरह की चीजें जो हैं ये हो रही हैं। रविश बाबू ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है, हालांकि इसका आंकड़ा जो है वो उनके पास नहीं, और जो आंकड़ा है वो धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चल रहा, ये आंकड़ा साबित करता है, उसको मैंने पहले भी बताया था। लेकिन रविश कुमार कह रहे हैं कि जिस तरह से धर्म देखकर जो है यहां पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, वैसे ही जात देखकर एनकाउंटर होता है, क्योंकि वो यादव था इसलिए पुलिस ने मार गिराया। अब मैंने कुछ आंकड़े चेक किए जो एनकाउंटर के आंकड़े थे, उसमें जो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में जो यादव जो एनकाउंटर में मारे गए हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है और ठाकुरों की है। ठाकुर यानी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वजातीय बताए जाते हैं, हालांकि योगी की कोई जाति नहीं होती लेकिन वो एक रंग देते तो इसलिए बता रहा हूं। लेकिन मैं इस तरह की चीजों को जाति में नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं जाति का आंकड़ा आपको नहीं दूंगा। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बदमाश है उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन वो रविश कुमार के लिए मायने रखते हैं, इसलिए उन्होंने मंगेश यादव, क्योंकि पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम था, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया था, तो रविश कुमार को उस पे जो है पूरा जो है वीडियो बनाना ही था। रविश कुमार क्यों, उस पे दीपक शर्मा और ना जाने कितने जो है कांग्रेस इकोसिस्टम के जो पत्रकार हैं उन्होंने जो है मंगेश यादव को पूरा समर्पित कर दिया और मंगेश यादव को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिस तरह से वो निर्दोष था, उसको गलत तरीके से एनकाउंटर में मार दिया और वो तो चोरी में भी नहीं शामिल था, उसका टूटा फूटा घर है, वो तो बेचारा बड़ा गरीब था और वो बाकी सब पैसे कहां गए वो नहीं पता। और इस पूरे मामले को इसी तरह से पिछले 4-5-6 दिन से लगातार इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बाकायदा टेलीविजन चैनलों में डिबेट हो रही है। तो इस तरह से मंगेश यादव को समाज का हीरो बना दिया गया है। लेकिन आपने मोहिनी तोमर का नाम सुना। अब मंगेश यादव की कहानी जो है आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। आपको मैंने सब डिटेल बता दिया कि इनामी बदमाश था और इस तरह से पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसके साथ ही पकड़े गए, बाकायदा इस एनकाउंटर में
एक शैलेश राजभर नाम का एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ, उसको भी गोली लगी। लेकिन ये सब चीजें छोड़ दीजिए, आप मंगेश यादव के बारे में बहुत कुछ जाना, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम चाहता है कि ये स्टोरी बन जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, इस तरह से यादवों का एनकाउंटर किया जा रहा है, धर्म और जाति देख लोगों को मारा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कहानी आपको बेचने के लिए मंगेश यादव को लेकर इतने सब नेताओं ने बयान दे दिए, वीडियो बना दिए, बाकायदा वहां जाके नमन करा है उसके घर पर, और जो है इन यूट्यूबर्स ने, रविश कुमार ने इस पर जो है बाकायदा 20-20 मिनट की एक यूट्यूब पे एक पूरा वीडियो बना दिया। लेकिन आपने शर्तिया बात है, आपने मोहिनी तोमर का नाम नहीं सुना होगा। अब आप कहेंगे मोहिनी तोमर कौन है? ये दोनों घटनाएं आपको जो है समझनी चाहिए, और अब आपको देखना चाहिए ये इकोसिस्टम, ये समाज जो है, और ये जो पूरा मीडिया है, और ये जो पूरी नेतागिरी भारत में है, राजनीति है, किस दिशा में जा रही है। ये मोहिनी तोमर कासगंज की एक वकील थी, वकील महिला, वहां की बहुत एक प्रख्यात महिला वकील। अब मंगेश यादव को लेकर इतना सब कुछ कहा सुना जा रहा है, इतनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन मोहिनी तोमर को लेकर के पूरी तरह से सन्नाटा है। जबकि ये दोनों घटनाएं उत्तर प्रदेश की घटनाएं, और दोनों घटनाओं में मुश्किल से 1 से 2 दिन का फर्क है। जब मंगेश यादव की खबर आती है, उसके करीब करीब ठीक एक या दो दिन बाद जो है वो मोहिनी तोमर की जो शव है वो नहर से बरामद होता है कासगंज में। मोहिनी तोमर की का जो शव है वो कासगंज में एक नहर से बरामद होता है, और जिस हालत में उनका शव बरामद होता है, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसको देख करके ये जो है आशंका जताई जा रही है कि उनके साथ बलात्कार करके जो है जो हत्यारे थे, बलात्कार करके उन्होंने मोहिनी तोमर को जो है नहर में फेंक दिया। अब ये मोहिनी तोमर एक वकील हैं, एक ऐसी जुझारू वकील जो दरअसल न्याय के लिए लड़ रही थी, लेकिन एक तरफ एक इनामी बदमाश है, उसके लिए आंसू बहाने वाले लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन एक जुझारू महिला जो न्याय के लिए लड़ रही थी, उसके लिए कहीं कोई आंसू नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है। अब मैं आपको यह भी बता दूं, ये मोहिनी तोमर कौन है? आपको शायद जो है नाम से आपको लगेगा एक वकील है, एक महिला वकील है, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं ये मोहिनी तोमर कौन थी। आपने चंदन गुप्ता का नाम सुना है? सुना होगा, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे। कैसी घटनाएं हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान का आज यह हाल है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चंदन कौन है? चंदन गुप्ता जो है 26 जनवरी 2018 चंदन गुप्ता, याद कीजिए कौन है 26 जनवरी 2018 चंदन गुप्ता। ये चंदन गुप्ता वही है जो कासगंज में 26 जनवरी 2018 को बाइक पर एक तिरंगा रैली जो है निकाल रहा था, और क्योंकि तिरंगा रैली निकाल रहा था इसलिए जिहादियों ने उस तिरंगा रैली पर हमला किया, और उस हमले में चंदन की दुखद मृत्यु हो गई। अब ये मोहिनी तोमर चंदन का मुकदमा लड़ रही थी। अब सोचिए ये पूरा कनेक्शन जो है किस तरह से है। वो चंदन जिसको जिहादियों ने मार दिया था, जिसका उसका मुकदमा जो है वो लड़ रही थी मोहिनी तोमर, और उसके बाद जिहादी जो है मोहिनी तोमर का भी क्या हशर करते हैं मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस देश में सन्नाटा है, उत्तर प्रदेश में सन्नाटा है, देश में सन्नाटा है, कहीं कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी छाती नहीं पीट रही, कोई राजनीतिक नेता जो है वो इस पर ट्वीट नहीं कर रहा, कोई आंसू नहीं बहा रहा, मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है मोहिनी तोमर की। अब आपको बताओ ये जो मोहिनी तोमर है, ये क्योंकि इन्होंने जो है जो चंदन जिस तरह से हत्या हुई थी उसको लेकर ये मुकदमा लड़ रही थी, और उसको इनके पति का कहना है कि उनको मुकदमे के कारण कई बार जिहादी जो है उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसमें एक मुनाजिर रफी नाम का एक आरोपी है, जो चंदन गुप्ता जो है, चंदन गुप्ता की हत्या में जिस मुनाजिर रफी का नाम आ रहा था, मुनाजिर रफी की जो है जमानत का इन्होंने घनघोर विरोध किया था। इसमें चंदन की हत्या में मुनाजिर का नाम था, और मुनाजिर को जमानत जब मिल रही थी उसका जो है उसका इस मोहिनी तोमर ने बड़ा कड़े से कड़े शब्दों में विरोध किया था, मुकदमा इस तरह से लड़ा था, और वो इसको लेकर हाईकोर्ट और बाकी सब जगह जाने के लिए तैयार थी, और उस तब से जो है मोहिनी को धमकियां मिल रही थी। सोचिए जिहादियों का नेटवर्क देखिए, पहले चंदन को मार देते हैं, उसके बाद चंदन के लिए जो मुकदमा लड़ने वाली वकील है उसको भी जो है लगातार धमकियां देते हैं, और अंत में उसका अंजाम भी वही कर देते हैं जो चंदन गुप्ता का हुआ। तो ये पूरी जो है अब इसमें जो है इसमें हालांकि दो लोग पकड़े गए हैं अभी तक जो है, जो दो आरोपी बताए जा रहे हैं वो हैदर और मुस्तफा, उनका नाम बताया जा रहा है। अब ये हैदर और मुस्तफा जो पकड़े गए हैं इसमें इसको लेकर एक और थ्योरी दी जा रही है, इसको लेकर एक थ्योरी ये दी जा रही है कि जो हैदर और मुस्तफा और उनके साथ एक लड़का सलमान था, ये सब जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे एक शिवशंकर के साथ जो है, ये शिवशंकर की टीम थी और ये हैदर मुस्तफा और सलमान इन लोगों की टीम थी, दोनों टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेलने को लेकर के झगड़ा हो जाता है,
और उसमें जो है ये जो हैदर मुस्तफा सलमान ये सब लोग हैं ये शिवशंकर को पीट देते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। कासगंज उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है, सोचिए, जहां हम कहते हैं कि बाबा का बड़ा खौफ है, तो वहां पर जो है झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस में इनका मुकदमा, शिवशंकर का मुकदमा भी कोई और नहीं बल्कि मोहिनी तोमर लड़ रही हैं। अब मोहिनी तोमर यहां पर भी जो है ये जो जिहादी थे इनका विरोध करती हैं, इनको जमानत मिलने का विरोध करती हैं, वो ये कहती है इस पूरे मामले को मैं ऊपर अदालत तक ले जाऊंगी। तो ये दो में से कौन सी घटना है, चंदन गुप्ता वाली या शिवशंकर वाली, हमें नहीं पता दोनों में से किस घटना के कारण, लेकिन नाम जो है आप नाम से अंदाजा लगा लीजिए, मुनाजिर रफी जिनका विरोध किया इन्होंने, मोहिनी तोमर ने मुनाजिर रफी की जमानत का विरोध किया, उसके बाद हैदर मुस्तफा सलमान और मुस्तफा कामिल असद मुस्तफा हैदर मुस्तफा सलमान ये तमाम नाम थे जिनका जिनको जिनको लेकर मुकदमा जिनके खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी। और इनमें से कौन है असली कातिल ये तो अभी जांच होगी और अगर सही में जांच किसी नतीजे पर पहुंचेगी तो पता चलेगा। लेकिन हो क्या रहा है इस देश में, आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ अपराधियों का ऐसा महिमा मंडन, अपराधियों के लिए मीडिया जो है आंसू बहाता है, दूसरी तरफ एक वकील जो इंसाफ के लिए लड़ रही है उसकी पर उसकी हत्या पर उसके साथ क्या क्या वो हम नहीं जानते, उसको इंसाफ के लिए कोई कहीं कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये इस देश का दुर्भाग्य और ये दुर्भाग्य मालूम है क्यों है, ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हम हिंदू जो हैं, हिंदू कमजोर है, हिंदू जो है आवाज उठाना नहीं जानता, हिंदू रिएक्ट करना नहीं जानता। अगर यही मुस्तफा और ये जो सलमान है, ये जो मुनाजिर रफी है जिन्होंने जिनके ऊपर पहले आरोप है, इन्होंने चंदन गुप्ता की हत्या की, उसके बाद मोहिनी तोमर के इन्होंने शायद बलात्कार करके इसकी हत्या कर दी, अगर इनमें से किसी के घर भी अगर बुलडोजर चढ़ जाएगा, इनमें से किसी का भी अगर एनकाउंटर हो जाएगा, तो आप देखिएगा पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, रवीश कुमार, दीपक शर्मा, अभिसार शर्मा और ये जो है तमाम किस्म के जो पत्रकार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये पूरा इकोसिस्टम जो है, ये लखनऊ, ये कलकत्ता में टेलीग्राफ, तो इधर जो है वायर, प्रिंट, क्विंट, ये सब जो है हल्ला मचाने लगेंगे, क्योंकि ये जो पूरे की पूरी कौम है जो जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूं, ये हैदर मुस्तफा सलमान ये सब जो है, इनकी कौम इनके पीछे खड़ी है, भले ही अपराधी हो, भले ही ये बलात्कारी हो, भले ही आतंकवादी हो, इनकी कौम इनके पीछे खड़ी हो जाती है। और हम जो है हिंदू जो है वो नाच गाने में व्यस्त हैं, आईसी जो है 814 के ऊपर जो है अनुभव सिन्हा ने जो एक वो बनाई है, जो एक फिल्म बनाई है, उस फिल्म को हम लोग देख रहे होंगे और हम जो है अपनी अपनी जो है जिंदगी में मगन हैं और आवाज उठाना भूल गए हैं, रिएक्ट करना भूल गए हैं, जिसके कारण जो है हम ये देख रहे हैं जो जाति के कारण जो आवाज उठा ली वो जो है वो आदमी जो है हीरो बन जाता है इस तरह से, और एक यादव जो है एनकाउंटर में मारा गया जिसके ऊपर लाखों का इनाम है वो हीरो बन जाता है, लेकिन मोहिनी तोमर के लिए कहीं कोई आवाज नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस स्थिति को कैसे बदलना है ये हमको तय करना पड़ेगा। ये स्थिति अच्छी नहीं है, मैं बार बार आपको कहता हूं और मैं जो वीडियो बनाता हूं उसका मेरा एक मकसद ये है कि किसी तरह से मैं हिंदू समाज को जो सोया हुआ है लोगों को जगा सकूं, उनको बता सकूं कि इस देश में क्या हो रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, नेता क्या कर रहा है, उन सबसे सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर हस्ती मिट जाएगी और ये कहने वाला भी कोई नहीं होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।